मेरा रिसर्च कहता है 80% से ज्यादा नौजवान बच्चे दे लैक 7 C's, 7 C's उनके पास में नहीं है। एंड आई कैन से विद फर्म अश्योरेंस दैट 90% ऑफ द ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स द एजुकेटेड यंगस्टर्स दे आर अनेबल टू इंटरैक्ट दे आर अनेबल टू कम्युनिकेट डिस्पाइट हैविंग सर्टिफिकेट्स विद देम दे आर अनेबल टू नेगोशिएट विद द HRs दे आर अनेबल टू कन्विंस द HRs HRs को वो लोग कन्विंस ही नहीं कर सकते हैं कि आपने 12 साल 15 साल 20 साल आपने क्या सीखा है, वो 2 मिनट में आप नहीं बता सकते। कब तक जिंदगी में हम कॉपी करेंगे किसी को? अच्छी चीज़ है लोगों की अच्छी चीज़ें सीखना, इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी भर हम सिर्फ कॉपी ही करते रहें। आप भी कुछ कर सकते हैं अपने ज़िंदगी में, आप भी क्रिएट कर सकते हैं वंडर्स। यू कैन डू वंडर्स इन योर लाइफ। सर्टिफिकेट से लीडर्स नहीं बनेंगे, आप लोग को सिर्फ जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब अच्छी सैलरी मिलेगी, लेकिन जो मैं सीज की बात कर रहा हूँ ये कंट्रीब्यूटर्स बनेंगे आप लोग, लीडर्स बनेंगे आप लोग। हिम्मत मर्दा मदद खुदा करके हमने पढ़ा तो बहुत है सुना तो बहुत है, लेकिन कुछ बड़ा करने का जो है एक करेज हमारे पास में होना चाहिए, लेकिन यकीन हमारे पास नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, इसीलिए हम लोग करेजियस नहीं है। अपने इदारों के लिए सब लोग काम करते हैं, याद रख लीजिए, अपने घर की हिफाजत सब करते हैं, लेकिन दूसरों के घर का ख्याल भी करना, इसी को कंपैशन बोलते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करके स्कूल के बच्चों को और टीचर्स को बताना शुरू किया। एक लड़का एक लड़की जो स्कूल जाती है वो 10 साल 12 साल 15 साल मैक्सिमम 20 ईयर्स आप लोग स्पेंड करते हैं स्कूल में। 20 साल जो आप स्पेंड करते हैं उसमें आपको A4 साइज की एक सर्टिफिकेट देती है यूनिवर्सिटी, डॉक्टर बना के या एडवोकेट बनाकर या चार्टेड अकाउंटेंट बनाकर या जो भी प्रोफेशन में आप हैं, जो भी तालीम आपने हासिल की है, तो आपको क्या मिलने वाला है फ्यूचर में जाकर? A4 साइज वाली एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगी। तो आज की दुनिया में इदारे सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, वो A4 साइज वाली सर्टिफिकेट देने वाला काम, एक सी पर काम कर रहे हैं, ओनली 1 C। लेकिन मेरा रिसर्च कहता है 80% से जायद नौजवान बच्चे दे लैक 7 C's, 7 C's उनके पास में नहीं है। कामयाब तो हुए हैं, ग्रेजुएशन भी किए हैं, 80-90% भी मार्क्स ले आए हैं, डिस्पाइट जेरिंग 90% इन देयर रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशंस दे लैक मेनी C's इन देयर करियर। कई सारे C's उनके पास नहीं है, जिसमें पहला जो सी मैं समझता हूँ वो है कॉन्फिडेंस, अपने आप पर एक एतमाद होना चाहिए। वो एतमाद कैसा डिवेलप करें आप, उसकी शुरुआत में मैंने बताई थी आपको कि आप अशरफ हैं, इसका पहले आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप यूनिक है, इसका अपने आप में एक भरोसा होना चाहिए। आप ब्लेस्ड इंडिविजुअल हैं, इसका यकीन आपको होना चाहिए। नबियों में सरदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हम फॉलोअर हैं, इसका पूरा यकीन अगर हमें मिलता है होता है तो फिर हम आगे बढ़ने में बहुत मदद हमें मिलती है। लेकिन वी हैव लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन आवर सेल्फ टूडे, हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि हम बड़ा काम कर सकते हैं। नेगेटिव थॉट्स बहुत आने लग जाते हैं हमें कि मैं गरीब घराने में पैदा हुआ हूँ, मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, मुझे कोई एंकरेज नहीं करता है, मुझे बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं। मेरी बात सुन लो बच्चों, आपको जब कोई क्रिटिसाइज करने लगता है तो समझना कि वहां से आपकी उड़ान बहुत जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना क्रिटिसाइज किया गया था, कितना दबाने की कोशिश की गई थी, कितना रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन बहुत आगे निकले हैं वो और सब्र के साथ आगे बढ़े हैं, और उन्हें कॉन्फिडेंस था, वो अकेले थे। आज तो आप लोग के साथ सब टीचर्स जुड़े हैं, मैनेजमेंट जुड़ा है, पेरेंट्स जुड़े हैं, लेकिन वो अकेले तन्हा थे, वहां से उनकी जर्नी शुरू हुई थी। लेकिन आज पूरे दुनिया में आपकी टीचिंग्स फैली है कि नहीं फैली है? उनको कॉन्फिडेंस था। तो हमें ये कॉन्फिडेंस की कमी है, आज हम बड़े काम नहीं कर सकते, हम कॉन्ट्रीब्यूटर्स नहीं बन सकते, ये आज हमें ख्याल आता है। और दूसरा जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं,
आप देखें, जायजा लें, स्कूल्स में जाएं, कॉलेजेस में जाएं, यूनिवर्सिटीज में जाएं, बमुश्किल 2% या 5% बच्चे कम्युनिकेट कर सकते हैं। 95% ऑफ द स्टूडेंट्स टुडे अक्रॉस इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड, आई मस्ट से आई हैवंट बीन टू मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बट आई हैव बीन टू मेनी 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 पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड आई कैन से विद फर्म अश्योरेंस दैट 90% ऑफ द ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स, द एजुकेटेड यंगस्टर्स, दे आर अनेबल टू इंटरैक्ट, they are unable to communicate despite having certificates with them, they are unable to negotiate with the HRs, they are unable to convince the HRs, HRs ko wo log convince hi nahi kar sakte hain ki aapne 12 saal 15 saal 20 saal aapne kya sikha hai, wo 2 minute mein aap nahi bata sakte hain. 20 saal taleem hasil karne ke baad english medium se padhne ke baad, ye alag baat hai, yahan english medium ki taleem ab kuch hi saal se shuru hui hai, लेकिन बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के इदारों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम के बच्चे, दे आर अनेबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश. अब मैं इंग्लिश पे क्यों एम्फसिस कर रहा हूँ, क्योंकि ये जुबान इंटरनेशनल लैंग्वेज है. इसके कितने टाइटल्स हैं देखिएगा आप. अपने जो लैंग्वेजेस हैं, मैं जिस स्टेट से आता हूँ वहाँ पर तेलुगु जुबान बोली जाती है, और मेरे जो नीबरिंग स्टेट्स हैं वहाँ पर मलयालम बोली जाती है, वहाँ पर तमिल बोली जाती है, वहां पर कन्नड़ बोली जाती है, और यहां पर गुजराती बोली जाती है. ये लिमिटेड है कि नहीं. लेकिन एक इंग्लिश ऐसी जुबान है जिसको रिकॉग्निशन मिला है. काहे का रिकॉग्निशन? इंटरनेशनल लैंग्वेज, कॉर्पोरेट लैंग्वेज, साइंटिफिक लैंग्वेज, ग्लोबल लैंग्वेज, इतने सारे जब टाइटल्स मिलते हैं, इसके बावजूद भी आज हमारे यंगस्टर्स इस चीज को समझ नहीं पा रहे कि इसकी कितनी अहमियत है. तो फिर वो ए साइज वाली जो सर्टिफिकेट आप लोगे उसका कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है हमारे पास. तो कम्युनिकेशन स्किल्स पर हम लोग काम करें, स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर, सिंस इट इज द इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड कॉर्पोरेट लैंग्वेज. आई विश एवरी इंडिविजुअल सिटिंग हियर वुड स्टार्ट गिविंग इंपॉर्टेंस टू दिस इंटरनेशनल लैंग्वेज. एक बंदा कोई हिंदी बहुत अच्छी बोलता है तो उसको दुनिया कवि समझती है. अब कोई बहुत ही ज़बरदस्त उर्दू ज़ुबान में बात कर रहा है तो उसको तो महफिल में एक रिकग्निशन मिलता है कि ये तो बंदा शायर है. लेकिन अगर कोई बंदा बहुत अच्छी इंग्लिश में बात कर रहा है तो उसको आज का ज़माना पोएट नहीं बोलेगा, उसको बोलेगा कि ये शायद कोई कंपनी का मैनेजर लग रहा है, सीईओ लग रहा है, ये बड़ा पढ़ा लिखा लग रहा है. जरूरी नहीं कि वो पढ़ा लिखा हो, लेकिन जुबान में ऐसी एक डिमांड आई है इस इंग्लिश जुबान में, जो भी बोलता है तो पहला ख्याल आता है कि ये शायद पढ़ा लिखा बंदा होगा. ये दुनिया में ये चल रही है बात इंग्लिश की जुबान को लेकर के. और उससे अगर हम महरूम रहेंगे, यू कैन नॉट इंटरैक्ट विद द वर्ल्ड, आप दुनिया से इंटरैक्ट नहीं कर सकते हैं. वो दौर चला गया, the whole world has shrunk into a global village now. duniya bahut badi thi pehle, ab badi nahi rahi duniya. duniya bahut simat gayi hai, bahut choti duniya ban gayi hai. aaj har cheez possible hai. interaction ka zamana, communication ka zamana hai. teesra jo c hai wo courage, himmat hum mein nahi hai. hum andar se bahut darte hain, agar main haar jaun to kya hoga, agar mujhe ye cheez nahi milti hai to kya hoga, अगर मैं कंपीट करूं और हार जाऊं तो कैसा होगा. देखिए, हम लोग सिर्फ जीतने लिए नहीं आए, हम लोग को मेहनत करना है और नतीजा अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथ में है. हमें काम करना है तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन जरूर आपको कामयाबी मिलेगी, जरूर कामयाबी मिलेगी. तो हमारे पास में करेज की कमी है, हिम्मत की कमी है. हिम्मत मर्दा मदद खुदा करके हमने पढ़ा तो बहुत है, सुना तो बहुत है, लेकिन कुछ बड़ा करने का जो है एक करेज हमारे पास में होना चाहिए. लेकिन यकीन हमारे पास नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, इसीलिए हम लोग करेजियस नहीं है. और जो चौथा में सी कहता हूँ वो क्रिएटिविटी. हम लोग सिर्फ एक ही लाइन पर काम कर रहे हैं, इसमें क्रिएटिव नहीं बने हैं. आज का जमाना प्रेजेंटेशन का जमाना है. कैसे आप प्रेजेंट करोगे एक चीज को? आप देखिए जो टीवी में एड्स आते हैं, 30 सेकंड का एक एड होता है, और उस एड को
कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट, एक जंडुबाम भी आप ले लें, एक लक्स साबुन भी आप ले लें, एक फेविकॉल का एडवर्टीजमेंट भी ले लें, तो कितने सेकंड का एड होता है टेलीविजन पर? 30 सेकंड्स का एड। एक फेविकॉल का जबरदस्त एड था, देखिए आप, वो मुर्गी जो है फेविकॉल वगैरह कुछ दाना खाती है तो वो फेविकॉल उसको लग जाता है, तो वो अंडे देने के बाद अंडा गिर भी जाता है तो टूटता नहीं, फूटता नहीं है, तो मजबूती उससे मिलती है करके। तो कैन यू इमेजिन, वो जो आइडिया होता है कि एड ऐसा होना चाहिए, वो आइडिया के पैसे लेते हैं। और कितने पैसे लेते हैं? करोड़ ऑफ रुपीस। इंडिया की करेंसी पता है आपको? कोई बताए मुझे, स्टूडेंट्स, एनी कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल स्टैंड अप एंड से व्हाट इज द करेंसी ऑफ आवर नेशन? यस, रुपया। बहुत अच्छे, बिग राउंड ऑफ अप्लास। बहुत आसान आंसर होता है, लेकिन हजरत मैंने बताया था आपको, कॉन्फिडेंस की कमी है। जवाब है हमारे पास में, लेकिन करेज नहीं है। मैं यही तो कह रहा था ना सर, ऐसा नहीं कि ये बच्चे नहीं जानते हैं, ये जानते हैं कि रुपी इज द करेंसी, लेकिन डरते हैं अगर मैं गलत हो जाऊं तो। बेटा देखना, गुनाह नहीं कर रहे हो आप, आपको दोजख नहीं मिलेगी। अगर आप इसको डॉलर बोलते तो अल्लाह सुबहानहू तआला रोज क़यामत में पकड़कर आपको आग में नहीं फेंकेगा, क्योंकि आप गुनाह नहीं कर रहे हो। ये गलती कहते हैं इसको, रॉन्ग आंसर आपने दिया है। मैं गलती भी नहीं कहूंगा, गुड ट्राई बोलूंगा इसको, आपने ट्राई किया है। तो हमें आंसर देने की आदत डालनी चाहिए, वो सही हो या गलत हो। अगर आप गलत दें तो जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि खड़े होकर आप गलती कर रहे हैं। अगर रॉन्ग आंसर दे रहे हैं और मैं या आपके कोई टीचर सही करेंगे, तो याद रखना फिर प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं, जिंदगी भर याद हो जाएगा आपको। मानो कि अगर वो लड़की खड़े होकर अगर बोलती डॉलर करके, तो वो शर्मिंदा थोड़ी देर के लिए जरूर होती है, और उसे मैं करेक्ट करता कि बेटा डॉलर नहीं, इंडिया की करेंसी है रुपया, रुपी, तो उसको फिर याद करने की भी जरूरत नहीं। वो एक परमानेंट, दो मेमोरी होती हैं, एक टेम्पररी मेमोरी, एक परमानेंट मेमोरी, तो परमानेंट मेमोरी में चला जाता वो। ये खूबसूरती है करेज की, जब खड़े होकर हम जवाब महफिल में देते हैं। अ वेरी बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर योर करेज। द आंसर वॉज एज इजी एज ABC। The answer was as easy as 1+1=2. लेकिन the only one girl has stood up. तो मैंने अभी प्रूफ किया आप लोग को कि हमें कॉन्फिडेंस की कमी है, हमें करेज की कमी है। मैंने प्रूफ किया कि नहीं किया है? हमें सर्टिफिकेट तो मिलती है। मैं तो चाहता कि जब मैंने सवाल किया तो सारे बच्चे आंसर एक साथ में इन यूनिजन आप लोग जवाब देते कि रुपया। चलिए अब मैं दूसरा सवाल पूछता हूं, अगर कि अमेरिका, US की करेंसी क्या है? डॉलर। यूके की करेंसी क्या है? पाउंड। सऊदी अरेबिया की करेंसी क्या है? रियाल। वर्ल्ड की करेंसी क्या है? वर्ल्ड की करेंसी है आइडिया। क्या है? आइडिया। जिसके पास में आइडिया है उसको दुनिया सलाम करती है, उसको एम्ब्रेस करती है, उसको वेलकम करती है, उसको अक्नॉलेज करती है, उसको अपलोड करती है, उसको अप्रिशिएट करती है। आज हमारे पास आइडियाज की कमी है, हमें देने का कोई आइडिया ही नहीं है, सब लेने का ही आइडिया है। हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। मैंने 10 साल स्कूल में बिताए, 20 साल स्कूल में बिताए, 25 साल मैंने पूरे मुकम्मल गुजारे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में। हमने सिर्फ लिया 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 है, हम देंगे क्या दुनिया को? हमारे पास कोई आइडिया ही नहीं है। फॉर्मूला तो बहुत दूर की बात, पहले आइडिया आ जावे उसके बाद तो फॉर्मूला बनेगा, फिर उस पर काम करने लगेंगे, आप फेल होंगे हजारों बार, फिर कामयाबी मिलेगी। ये जमाना क्रिएटिविटी का है, जितना क्रिएटिव आप हैं, जितना जबरदस्त आप प्रेजेंट करेंगे दुनिया को, उतना आपका डिमांड होगा। लेकिन अफसोस, हम लोग एक ही मेथड पर चलते हैं, एक ही मेथड से काम करते हैं। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं और 90% स्टूडेंट्स अंग्रेजी क्लास से घबराते हैं, ग्रामर से डरते हैं। एक फोबिया सा हो गया है इंग्लिश ग्रामर को लेकर, जिसका नाम है एंग्लोफोबिया। कभी सुना आपने? अंग्रेजी से जिसे डर लगता है उसे एंग्लोफोबिया कहते हैं। तो ग्रामर इतना बोरिंग सब्जेक्ट मानती है दुनिया,
लेकिन उसको मैंने बहुत क्रिएटिव बनाया, एंटरटेनिंग बनाया, इन्वॉल्व बनाया, तो बच्चे एंजॉय करने लगे हैं, इन्वॉल्व होने लगे हैं। अलग अलग तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूं मैं, और हमेशा अट्रैक्ट करने की कोशिश करता हूं। वही पुराना जो मेथड है वो मेथड मैंने नहीं अपनाया है, मैं नए नए टेक्निक्स लेकर आता हूँ, नए नए अंदाज में कंपीट कराता हूँ बच्चों से, तो दे स्टार्ट एंजॉइंग इट। तो ये क्रिएटिविटी आप में होनी चाहिए, हर एक चीज जो आप करते हो बी वेरी क्रिएटिव अबाउट इट। अपने आप से भी सोचो कब तक जिंदगी में हम कॉपी करेंगे किसी को। अच्छी चीज है लोगों की अच्छी चीजें सीखना, इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी भर हम सिर्फ कॉपी ही करते रहें। आप भी कुछ कर सकते हैं अपने जिंदगी में, आप भी क्रिएट कर सकते हैं वंडर्स, यू कैन डू वंडर्स इन योर लाइफ्स। सिर्फ उसमें एक पैशन होना चाहिए। तो क्रिएटिव के बाद मैं कहता हूं कंपैशन की कमी इंसानों में है, हमदर्दी हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग एक दूसरे को मदद नहीं करना चाहते हैं, एक दूसरे की कामयाबी हम नहीं देख सकते हैं। जब कोई बंदा लाखों रुपए खर्चता है अपने इदारे में, तो वो जाहिर सी बात है वो अपने इदारे को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। अब मुझे कितना इंपॉर्टेंस देकर इस इदारे ने यहां पर बुलाया है, ऐसा ही प्रोग्राम, आज संडे छुट्टी है, सलीम साहब अपने ही ऑडिटोरियम में सारे पेरेंट्स को बुलाकर ये दिखा सकते थे कि देखो मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूं। लेकिन लास्ट संडे भी इन्होंने कम्युनिटी के लिए दिया, और ये संडे भी इन्होंने कम्युनिटी को दिया। ये कंपैशन की मिसाल है, ये काहे की मिसाल है, कंपैशन की मिसाल। अपने इदारों के लिए सब लोग काम करते हैं, याद रख लीजिए, अपने घर की हिफाजत सब करते हैं, लेकिन दूसरों के घर का ख्याल भी करना, इसी को कंपैशन बोलते हैं, इसी को हमदर्दी बोलते हैं। और ये हम में अगर आ जाए कि सब इदारे हमारे हैं, सब इदारों को हमें कुछ ना कुछ, ये नहीं कि हर कुछ सब कुछ दे दें, लेकिन कुछ तो दे सकते हैं हम, तो ये आपने किया है। इसकी आज कमी है, हमारे कम्युनिटी में कमी है, हमारे लीडर्स में कमी है, हमारे मैनेजमेंट में कमी है, हमारे टीचर्स में कमी है। हमारे कम्युनिटी में कामयाबी पता कब होती है, जब कोई स्कूल दूसरे स्कूल की साइंस टीचर प्रेग्नेंट है और आ नहीं पा रही है, और ये फेस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट की साइंस टीचर जाकर वहां एक हफ्ता पढ़ा कर आती है, तो वो समझना कि ये स्कूल वाकई स्कूल है। अपने लिए तो सब काम करते हैं, प्यासा बच्चा है तो माँ तो दूध पिलाएगी पिलाएगी, कुछ तो करेगी, कुछ नहीं हो तो कम से कम आग पानी तो रगेगी, एक ख्याल तो देगी कि कुछ बन रहा है। लेकिन दूसरों के घर में फाका चल रहा है और वहां का आप ख्याल करते हो, दैट इज कंपैशन। इसकी आज हमें कमी है, और ये सिर्फ टीचर्स मैनेजमेंट नहीं, ये बच्चों में भी कंपैशन होना चाहिए। आज बहुत सारे स्टूडेंट्स में लर्निंग एबिलिटीज की कमी है, तो आज जो अच्छे बच्चे यहाँ पर हैं वो जाएं उनके साथ बैठें, ये ना सोचें कि ये कमजोर है, हम स्टूडियोज हैं, हमें अलग बैठना चाहिए, उन्हें अलग बैठना चाहिए, नहीं, आप उन्हें बैठकर डिस्कस करें, उनसे कम्युनिकेट करें, उनकी मदद करें, तो फिर देखना वो इंशाल्लाह वो भी बहुत ज़बरदस्त इंसान बनेंगे और कामयाबी की तरफ खींचे चले आएंगे, और वो भी परफॉर्म करने लगेंगे इंशाल्लाह। तो ऐसे बहुत चीज की हमारे पास में कमी है, हमारे पास में कंसिस्टेंसी नहीं है। एक सी की मैं बात करता हूं आपको, कंसिस्टेंसी यानी उर्दू में तसलसल कहते हैं। किसी मोटिवेशनल लेक्चर को जब आप सुनते हैं तो मोटिवेट होते हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन हाउ लॉन्ग वुड दैट मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन लास्ट, कितने देर तक ये इंस्पिरेशन आपके दिल और दिमाग में रहेगा, बमुश्किल एक दिन या दो दिन। इसमें कंसिस्टेंसी की कमी है। कोई लड़के दीवानगी की हद तक मेहनत करते हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, वो आईएएस बनते हैं, वो आईपीएस बनते हैं, उनमें कंसिस्टेंसी है, वो लोग मेहनत करते हैं और रोजाना मेहनत करते हैं। और ये हमारा ये टीचिंग्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये देखिए नमाज हम लोग पांच वक्त पढ़ना फर्ज है, लेकिन जब ईद आती है तो क्या नमाज की तादाद 5 से 3 होती है या 5 से 6, बताएं मुझे, एक नमाज और बढ़ती है। और कितनी कंसिस्टेंसी रखा वर्शिप में अल्लाह सुबहानहु ताला ने, यानी कोई एक दिन माफ है ही नहीं, आपने करना ही करना है। तो इसी तरह जब आप कोई चीज सीखते हैं
इबादत की तरह करिए उसको तो फिर कामयाबी मिलेगी, इबादत की तरह करिए उसको तो कामयाबी मिलेगी। यानी कंसिस्टेंसी के साथ आपको करना है। ऐसा नहीं कि मैं आज करूंगा कल नहीं करूंगा, कल करूंगा परसों नहीं करूंगा। एक दफा मैं इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर दिल्ली में, बहुत ही खूबसूरत जगह है, वहां 12 साल से मैं 40 दिन का वर्कशॉप करता हूं। उस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर बहुत ही मशहूर जर्नलिस्ट अब्दुल वदूद साजिद साहब वो कंडक्ट करते हैं। वो गेस्ट को लेकर आते हैं और लास्ट रो में बैठकर आधा घंटा एक घंटा मेरा सेशन सुनते हैं, बच्चों के परफॉर्मेंसेस डेमोंस्ट्रेशंस देखते हैं। उसके बाद द गेस्ट द इलीट पर्सनैलिटीज विल बी गिवन अ चांस टू गिव देयर इंप्रेशंस। तो कोऑर्डिनेटर साहब वदूद साहब ने इंट्रोड्यूस किया कि आज जो पर्सनैलिटी को मैं लेकर आया हूँ वो बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। तो बज़ाहिर मुझे लगे तो नहीं इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है, ज़रूर पैंट शर्ट पर, लेकिन ये आलिम दीन है। फिर मैं ताजुब किया कि एक आलिम दीन को तो हम टोपी दाढ़ी, दाढ़ी तो थी हज़रत को माशाल्लाह, कुर्ता पजामा में तसव्वुर करते हैं, तो फिर ये आलिम दीन है और एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी कह रहे हैं, ये क्यों कह रहे हैं? फिर उन्होंने कहा कि ये सिर्फ आलिम दीन नहीं है बल्कि ये IAS ऑफिसर भी है। ये क्या है? IAS ऑफिसर भी है। बहुत कम उलमा है आज जो ब्यूरोक्रेट्स है, हजरत आपके भी शायद दिल में होगा ये, बहुत कम उलमा इंडिया से ब्यूरोक्रेट्स बने हैं और वो बनना बहुत जरूर है, क्योंकि वो बनेंगे तो फिर हजरत उमर के कुछ जो गवर्निंग प्रिंसिपल्स हैं वो लाकर आप अप्लाई करके दिखा सकते हैं दुनिया को कि इंसाफ किसको बोलते हैं, जस्टिस किसको बोलते हैं। तो उससे अच्छी जॉब है ही नहीं। अगर आपको वाकई बड़ा काम करना है तो आपको IAS बनना है। तो फिर वो IAS आए हैं और बात करने लगे हैं, तो बच्चों ने सवाल किए कई। एक लड़के ने बड़ा जबरदस्त सवाल किया, वो लड़का खड़े होकर के पूछा है कि सर हाउ मेनी आवर्स डिड यू प्रैक्टिस टू क्लियर द UPSC एग्जाम? विद नो सेकेंड थॉट उन्होंने जवाब दिया, वेल आई नेवर काउंटेड आवर्स, मैंने कभी घंटों को गिना नहीं है। तो उस बच्चे ने फिर से सवाल किया कि सर एनी रफ नंबर, कुछ भी नंबर दे दीजिए आप। तो फिर वो IAS ऑफिसर, वो आलिम दीन, उन्होंने कहा बिलीव मी आई हैव नेवर काउंटेड द आवर्स, मैंने कभी टाइम को काउंट नहीं किया कि 5 घंटे में मेहनत किया, 10 घंटे मेहनत किया, 15 घंटे मेहनत किया। तो फिर उस बच्चे ने, बड़ा टैलेंटेड बच्चा था, कॉन्फिडेंट था, क्योंकि मेरे ट्रेनिंग लेने के 30 दिन के बाद तो अच्छा खासा कॉन्फिडेंस भी आता है बच्चों को। तो तीसरा सवाल, तीसरी दफा उसने कहा कि वेल सर अ डे हैज ओनली 24 आवर्स, नॉट मोर देन दैट, अ डे हैज ओनली 24 आवर्स, नॉट मोर देन दैट, यू कैन गिव मी अ रफ नंबर 20 आवर्स, 22 आवर्स, 21 आवर्स। तो वो IAS ऑफिसर साहब की भी जिद देखिए, वो कह रहे, बड़े लॉजिकली आंसर दिया उन्होंने, कहा कि मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था UPSC एग्जाम का तो मैं 5 चीजें मुझे अच्छी सी याद है। मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता था, जब भी भूख लगती थी खाना खाता था, जब भी मैं थक जाता तो थोड़ी देर आराम कर लेता, और घर में कोई चीज़ की ज़रूरत होती और माँ मुझे कहती कि बेटा वो चीज़ ले आना, तो मैं बाहर जाता वो चीज़ ले आता, और मुझे टॉयलेट जाने की कभी ज़रूरत होती तो मैं टॉयलेट जाता। ये 5 चीज़ों के अलावा अगर 6ठी चीज़ मुझे कुछ याद है तो मैं UPSC का प्रिपरेशन में मशगूल रहता था। ऐसी कंसिस्टेंसी के साथ में, ऐसे पैशन के साथ में आप कुछ भी करें वो हासिल हो जाएगा, यकीन जाने। आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी बनना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं इंशाअल्लाह, क्योंकि मेहनत की जरूरत है, कंसिस्टेंसी, तसलसल की जरूरत है। तो आज हमारे यंगस्टर्स में ये कंसिस्टेंसी की कमी है। ये सी इदारे नहीं सिखा रहे आज, यूनिवर्सिटीज नहीं सिखा रहे आज, क्योंकि ये जो सीज है वही लीडर्स बनने वाले हैं।
सर्टिफिकेट से लीडर्स नहीं बनेंगे, आप लोग को सिर्फ जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब अच्छी सैलरी मिलेगी, लेकिन जो मैं सीज की बात कर रहा हूं, ये कंट्रीब्यूटर्स बनेंगे आप लोग, लीडर्स बनेंगे आप लोग, एक घर चलाने वाले नहीं बनेंगे। आप 90% मार्क्स ले आए, आप में ये जो सीज मैंने कहा इसमें अगर आपको कमी है तो आप एक घर चलाने वाले तो जरूर बन जाएंगे, क्योंकि आपके पास में सर्टिफिकेट है, थोड़ा बहुत आप बात करके नेगोशिएट करके आपको जॉब तो मिल ही जाती है, लेकिन वो जॉब के लिए पैदा नहीं हुए हम लोग। हम लोग कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए पैदा हुए हैं, हम लोग दुनिया को देने के लिए पैदा हुए हैं, हम लोग सिर्फ लेने के लिए नहीं आए हैं। हमने क्या दिया है दुनिया को, आपने क्या दिया है दुनिया को, ये आज ये सोचने का वक्त है। सिर्फ हम लोग यहाँ आए और 90% हासिल करें, ये इट शुड नॉट बी द सोल पर्पज ऑफ आवर लाइफ।